नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसकी 2.11 यानी कि 2.11 नंबर की एक्टिविटी लेकर हम आए हैं। पीएच वैल्यू ऑफ गिवन सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू ढूंढने के लिए आपको कहा गया है। तो वो सब सॉल्यूशंस जैसे कि सलाइवा बिफोर द मिल, सलाइवा आफ्टर द मिल, सलाइवा यानी कि आपके मुंह में जो एक द्रव्य पैदा होता है वो द्रव्य जो है उसको सलाइवा कहते हैं, वो सॉल्यूशन को सलाइवा कहते हैं। वो खाने से पहले आपको उसका सैंपल लेना है और खाने के बाद लेना है। फिर लेमन जूस है, फिर कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। यहाँ आप सोचेंगे कलरलेस क्यों, तो जो कलर वाला होता है आपका कोका कोला है, थम्सअप है, वो सब कलर वाले हैं, तो उसमें कलर डाला हुआ रहता है और कलर में शायद कोई अल्कलाइन या तो एसिडिक नेचर रहता है, तो वो यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ हमें एरेटेड ड्रिंक्स का ही देखना है कि वो कैसा होता है। फिर कैरेट जूस है, कॉफ़ी है, टोमेटो जूस है, सिंपल टैप वाटर है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सबको हमें ये पीएच पेपर यहाँ दिया गया है, उसके ऊपर वन बाय वन ड्रॉप डाल के देखना है कि पीएच पेपर का कलर कैसा होता है, और उसको यहाँ ड्रैग करके, ऐसे ड्रैग करके जो भी कलर आता है उसके साथ उसको मैच करना है। और आपको ये डिसाइड करना है कि ये कलर आपके ये पीएच पेपर का एसिडिक रहा या अल्कलाइन रहा या तो फिर न्यूट्रल रहा। ये न्यूट्रल है, जो ना ही एसिडिक कह सकते हैं ना ही बेसिक यानी कि अल्कलाइन कह सकते हैं। अल्कलाइन मतलब बेसिक और एसिडिक। तो ये एक एक सब के सब जो आपके पेपर्स है वो ड्रैगेबल है, आप सब पेपर को ड्रैग कर सकते हैं वंस इट गिव्स द कलर। तो यहाँ जो हमने कलर्स दिया हुआ है वो पॉसिबल कलर है आपके पीएच पेपर के ऊपर जो आ सकते हैं। ये पूरा उसका स्पेक्ट्रम है पीएच पेपर के कलर्स का। ये पिक्चर में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने ये जो भी सॉल्यूशन ड्रॉपर में लिया हुआ है वो एसिडिक है या अल्कलाइन है यानी कि बेसिक है। तो ये उसका स्पेक्ट्रम है। ये फोटोग्राफ आपको समझाएगा कि कौन से कलर पर आने से कौन सा डिसीजन आपको लेना है। और बाद में आपके ऑब्जर्वेशंस, आपको ये टेबल का बटन दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ आपको फिलअप करना है कि सलाइवा बिफोर मिल कौन सा कलर था, पीएच वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या थी, और वो नेचर यानी कि वो एसिडिक कहेंगे या बेसिक कहेंगे, ये सब यहाँ लिखना है ना दोस्तों। समझ गए, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। आपको करीब करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्यूशन अलग अलग दिए गए हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि कौन कैसा कलर देता है, कौन कौन एसिडिक है, कौन कौन बेसिक है। तो यहाँ देखिए सलाइवा बिफोर मिल्क, तो आपके मुंह में जो खाली मुंह रहता है तब जो भी हमारा सलाइवा निकलता है मुंह से वो यहाँ अंदर भरा हुआ है और उसको हम ड्रॉपर से डालते हैं। ये देखिए मैं ड्रॉपर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो क्या हुआ, ग्रीन कलर आया है। देखिए उसको मैच कीजिए कैसा ग्रीन लग रहा है, तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, लेकिन ये फिर भी बेसिक है, सलाइवा है, थोड़ा सा बेसिक रहता है। तो यहाँ आपको आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में सब चीज़ें लिखनी है कि किस तरीके से ये ग्रीन कलर देता है सलाइवा जो है। अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ लाएंगे तो ये बेसिक ही हम पकड़ लेना चाहिए, तो 7.4 7.5 के आसपास हम लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट पूछा है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, 7.4 लिख दीजिए। और नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो वो थोड़ा बेसिक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूरा टेबल फिलअप करना है अपने हाथों से। पूरा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर अपने कंप्यूटर पर, अगर ये सॉफ्टवेयर आपने ख़रीदा हुआ है तो आप कर सकते हैं। ये एक के बाद एक आप ड्रॉपर को क्लिक करते जाइए और सबका कलर देखिए कि किसका कलर क्या आ रहा है। ये देखिए ये सलाइवा आफ्टर मील जो है वो देखा आपने, एसिडिक हो गया। ये देखिए इसका कलर करीब करीब 6.2 के आसपास हो गया, मतलब कि ये एसिडिक हो गया। पहला जो था वो क्या था, वो बेसिक था, वो
बिल्कुल ही बेसिक साइड में है, लेकिन ये एसिडिक है आफ्टर मील। क्यों पता है क्या? भूल गए, पाचन सीखा होगा आपने, डाइजेशन। खाना खाने के बाद एसिड पैदा होता है ना, तो वो एसिड मुंह में से यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये एसिडिक है खाना खाने के बाद का हमारा सलाइवा। फिर लेमन जूस लीजिए, लेमन जूस देखिए क्या करता है। तो लेमन जूस खट्टा होता है, हम सब लोग जानते हैं कि वो तो एसिडिक ही होना चाहिए। ये देखिए हो गया, और उसकी अप्रोक्स वैल्यू आपके टेबल में डालते रहिए वन बाय वन, अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये कलरलेस एरेटेड ड्रिंक है, वो क्या कर रहा है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड मतलब उसमें CO2 आता है, CO2 आएगा तो वो बिल्कुल पानी के साथ एक बेसिक सब्सटेंस देगा आपको, तो ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा आपके लिए। ये देखिए है ना, ये भी है। उसके बाद कैरेट जूस पकड़िए, कैरेट जूस ज़्यादातर एसिडिक रहता है। ये कलर देखिए क्या होता है, ये देखिए, ये 6 के आसपास है, 6.2 6.3। और कॉफ़ी क्या करेगी, कॉफ़ी मालूम है, पता है एसिडिक बेसिक क्या होगा, ये एसिडिक है देखिए, कॉफ़ी बिल्कुल ही एसिडिक है देखिए। और आगे चलते हैं टोमेटो जूस, वो भी एसिडिक है आप जानते हैं अच्छी तरह से, टोमेटो खट्टा होता है, ये काफ़ी खट्टा लगता है देखिए किस कलर से मैच होता है, देखा, तो ये एसिडिक है। पीएच वैल्यू आप ये करेंगे तो चलेगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। ये टैप वाटर है, टैप वाटर बिल्कुल ही न्यूट्रल होता है, वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, देखिए बिल्कुल बीच वाला कलर वो दे रहा है, तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, उसमें एसिडिक भी नहीं रहेगा बेसिक भी नहीं रहेगा। और ये NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ये अल्कलाइन, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए इसका कलर का क्या होता है, देखा एकदम एकदम मतलब पर्पल हो गया, देखिए ये लास्ट वाला है ना, एकदम ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं उसके पीछे, नाम के पीछे ही एसिड है, तो वो कौन सा कलर देगा, 0 से 7 के बीच वाला, वैसे तो 0 से 4-5 के आसपास वाला, देखा ये देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, देखा आपने, ये HCl है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपने अपने हाथों से किया, दूसरी बार करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार करना चाहे करें, ये रिस्टोर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, पूरा एक्सपेरिमेंट आप फिर से दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, ये जो हमारा 2.11 नंबर का एक्टिविटी है ये यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम ये लेकर बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड लॉट थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच अगेन।